हाथबंद ब्लॉक के गांव खैरगढ़ में मूलभूत समस्याओं से जनता परेशान है। यहां तक कि स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान पर अनदेखी और जातवाद को लेकर विकास कार्य न कराए जाने का आरोप लगाया है। पूरे मामले को लेकर साक्ष्य न्यूज की टीम ने गांव का रियलिटी चेक किया तो मूलभूत सुविधाएं धरातल पर नहीं मिली। आइए चलते हैं खैरगढ़ गांव की ओर, देखते हैं कि ग्राम प्रधान ने कितना विकास कराया और कितना अभी भी जनता से दूर है। हाथबंद ब्लॉक के गांव खैरगढ़ की बात करें तो यहां विकास कार्यों की अनदेखी हुई है। गांव में दलित समाज के लोग रहते हैं, उनका कहना है कि यहां ना तो मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की किरण पहुंची और ना ही स्वच्छ पेयजल की। सड़क पानी की बात करें तो यहां लोग लंबे समय से परेशान हैं। ग्राम प्रधान गुप्ता होने के कारण दलित समाज को अनदेखी किए हुए हैं। दलित समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया ऐसा कहकर विकास कार्य नहीं कराया जा रहा। स्थानीय लोगों में पेयजल समस्या को लेकर भारी संकट से जूझने की स्थिति बनी हुई है। फिरोजाबाद के गांव खैरगढ़ में आज भारत समाचार की टीम ने रियलिटी टेस्ट किया। रियलिटी में जाना कि यहां मूलभूत सुविधाओं से आज भी लोग वंचित हैं। कहने को तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, लेकिन विकास यहां अभी तक किरण तक नहीं देखी गई। आइए बात करते हैं ऐसे ग्रामीणों से, यहां क्या क्या समस्याएं हैं। यहां पर पानी की सुविधा नहीं है, नल खराब पड़े हुए हैं। अब खरंजा ये बनिया की जात प्रधान है, उसने जाटों की बस्ती में कोई नहीं कराया विकास। और लैट्रिन सौ में 10 लैट्रिन बनी है, जाट बस्ती में कोई भी लैट्रिन नहीं बनी है। आप मैं खेतों में पानी भरवे जाते हैं सर, और टंकी आती नहीं है, दो दो तीन तीन दिन ऐसा ही पानी गर्म पीते हैं हम। अच्छा, यहाँ शौचालय बने हैं गांव में? देखो ना लैट्रिन आई है, झोपड़े में रह रहे हैं, उससे बात की परेशानी है कि पानी का साधन नहीं है। अच्छा, लोग बताएंगे, आप इसी गांव से है ना? क्या नाम है आपका? लाला राम नाम है। लाला राम जी, आप बुजुर्ग हैं। अच्छा, क्या कमी है तो इस गांव में विकास क्यों नहीं हो पा रहा? प्रधान जी कहते हैं हमको वोट नहीं दिया जाटवा ने, इसलिए जाटवा में कोई खरिंजा नहीं, कोई पानी की सुविधा नहीं, और सब जगह टंकी लगवा दी इन्होंने, पर जाटवा को नहीं। खेतों से पानी लाते हैं आरों से, और जब पानी पीते हैं, और एक लैट्रिन भी बनवाई उसने, जब क्या हम परेशान हैं सब लोग बड़े। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं हमने हर गांव में विकास पहुंचाया, हर घर में काम कराया, जहां शौचालय नहीं थे वहां शौचालय दिए, जहां लोग झोंपड़ी में रह रहे थे उनको घर दिया। क्या मानते हैं? घर मिला नाम मिला ना मिला सर, और पानी है व्यवस्था, पानी नलकूपों में लेने जाते हैं, अनाज के लिए पानी नहीं है, बिजली है, बिजली नहीं मान लो आती है, जब आती है और टंकी खराब हो जाती है। प्रधान क्या कर रहे हैं? प्रधान कुछ नहीं कर रहा है, जातवादी है और जात पक्ष का है। जातवादी है कि वो जो कहते हैं प्रधान जी रेणु गुप्ता है कि जिन्होंने बनिया में वोट दिया है उन्हीं को विकास कराएंगे, जाटवों ने हमने वोट नहीं दिया इसलिए हम जाटवों में विकास नहीं कराएंगे। आप जो है बनियों में देखिए जाके ना, पूरे बनियों में आरसी हो चुकी है, जाटव बस्ती में कहीं आरसी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जैसे वहाँ पर बनियों को विकास किया जा रहा है वैसे ही हमको विकास होना चाहिए हमारे आरसी। तो ये था गांव खैरगढ़ का जमीनी हकीकत, यहाँ लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी इस गांव की भले ही हो, लेकिन आज भी लोग सुविधाओं से जूझ रहे हैं। खराब हैंडपंप हो या फिर घर के बाहर शौचालयों का ना बनना, सारी समस्याएं इस गांव में व्याप्त हैं। लेकिन जातिगत आधार पर बात करें तो जो प्रधान हैं उनका केवल और केवल कहना है कि दलित हैं आप लोग, आपने वोट नहीं दिया तो इसलिए विकास कार्य नहीं होगा। फिरोजाबाद सिद्धेन्द्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।